तो स्वागत करते हैं आज के वीडियो में। हम बात करने वाले हैं गाइस कि आप अपने फ़ोन में अपने डाले पैड टून्स को कैसे इनेबल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सिंपल सिंपल स्टेप हैं, आपको ने फॉलो करके आप अपने फ़ोन में अपने डाले पैड टून्स को इनेबल कर सकते हैं। तो इस वीडियो की जानकारी के लिए वीडियो लास्ट ज़रूर देखना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के लिए गाइस सबसे पहले हमें अपने फ़ोन की सेटिंग को ऑन करना होगा। ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है गाइस, यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है साउंड एंड वाइब्रेशन। तो आपको उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको नीचे आ जाना, नीचे आपका एक ऑप्शन है एडिशनल सेटिंग, तो आपको उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है डायल पैड टूल्स। तो गाइस हम अपने फ़ोन में अपने डायल पैड टूल्स को इनेबल करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को हम ऑन कर देंगे। तो गाइस इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अपने डायल पैड टूल्स को लगा सकते हैं। तो गाइस आइए आपको चेक करा देते हैं जो हमने डायल पैड टूल्स लगाई है वो लगी है या नहीं। तो उसके लिए हमें डायल पैड में जाना और यहाँ पर आपको कोई भी अपना नंबर सर्च कर लेना। तो गाइस देखिए जो हमारी डायल पैड टून से वो लग चुकी है। तो गाइस इस तरीके से आप भी अपने फ़ोन में अपने डायल पैड टूल्स को इनेबल कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।